हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितेश कुमार सर, स्वागत करता हूँ आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे लोग कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि बैंक ऑफ बड़ौदा से हम ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं या एरर आ रहा है। अब यहाँ एरर क्या आ रहा है वो भी मैं बताऊँ दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों आप जब भी बैंक ऑफ बड़ौदा से ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पर 30 मिनट वाला एरर आता है, कभी सस्पेंशन फ्रॉड का ऑप्शन आ रहा है, कभी इनवैलिड फेल्ड करके आ रहा है, इस तरह का एरर आ रहा होगा दोस्तों आपके सामने या आपके एप्लीकेशन में। दोस्तों आप चाहे किसी भी एप्लीकेशन यूज करते हो, चाहे स्पाइस मनी हो, फिनो हो, पेनियर बाय हो, रेपी पे हो, तो दोस्तों यहाँ पर एरर ये किस लिए आता है और कैसे इसका जो सोल्यूशन होगा इसी के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों अभी तक हम चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि इस तरह के नए वीडियोस में आप तक लाता रहूँ और आप इसका लाभ ले सके। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एरर आने का ये कारण है दोस्तों कि आप जब भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन करते थे पहले, तो वहाँ पर आप 1010 या 510 या 2020 इस टाइप का जो ट्रांजेक्शन करते थे। जी हाँ दोस्तों, जो कि NPCI ने साफ साफ अपने ट्वीट पे भी किया हुआ था कि अगर इस तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो उनका जो ID को ब्लॉक कर दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा को भी इंस्ट्रक्शन मिली और उनका जो है बैंक का कहना है कि कोई भी हमारे कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज ना ले। दोस्तों इसीलिए जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने सख्ती दिखाते हुए जितने भी ट्रांजेक्शन होती है, जैसे 510, 1010 या 2020 करके, उन सारे ID को चुनकर उनको ब्लॉक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तो ये बीच में ऐसा हुआ था तो किसी भी APS कंपनी का जो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा का। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिर एक और चांस दिया, काफ़ी लोगों ने फिर से जितनी भी APS है उनका फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन चालू हो गया, तो उन लोगों ने फिर से वही काम करने लगा, जिसके वजह से क्या किया गया, फिर से उनका ID ब्लॉक कर दिया गया, जिसके वजह से वो अब फिर से ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर वो लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं फिर से नया ID ले लेता हूँ या दूसरे कंपनी का ID ले लेता हूँ, वहाँ से कर लूँगा, बट ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। कोई भी आप नया ID लेंगे दोस्तों तो आपको सेम यही प्रॉब्लम आएगा ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों जब भी आप ID बनाते हैं दोस्तों तो आपका पैन नंबर और आधार नंबर, ये दो चीज़ नोट किया जाता है किसी भी कंपनी में, तो वो पैन नंबर और आधार नंबर ब्लॉक करता है, ना कि आपकी ID ब्लॉक करता है। तो आपके पैन नंबर या आधार नंबर जो भी है दोस्तों उससे ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि आप उस बैंक का फिर ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये कारण से आप बैंक ऑफ बड़ौदा का भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे दोस्तों, जो एरर आ रहा है। तो मैंने केयर पे बात किया तो पता चला कि दोस्तों ये बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, यानी 1 मंथ का उन्होंने बताया टाइम लगेगा, फिर से चालू हो जाएगा। अगर आप फिर से यही काम करेंगे कि 1010 या 510 निकालेंगे तो फिर से आपकी ID बंद हो जाएगी दोस्तों। तो ये कारण है दोस्तों जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा, सस्पेंशन फ्रॉड या 30 मिनट का बता रहा और फिर निकाल रहे तो फिर वही 30 मिनट का एरर बता रहा, तो ये सब कारण है दोस्तों। तो दोस्तों बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपनी से काम कर रहे हो दोस्तों, आप 1010, 510 या 2020 करके ट्रांजेक्शन ना करें। साथ ही साथ आप अगर अपने फैमिली के नाम से भी लेंगे दोस्तों तो आपको ये आएगा ऑप्शन, अगर नया ID बनाते हैं, अगर अपने फैमिली के नाम से ले लिए और उनसे तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है और ID बन चुका है और वो उनसे पैसा निकाल रहे हैं, तो ये ऑप्शन आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अपने कस्टमर केयर में बात करना है। अगर स्पाइस मनी से, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के में दे दूंगा या फिर वीडियो के एंड में या फिर आई बटन पे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर आपको व्हाट्सएप पे उनको कॉन्टेक्ट करना होगा और वहां पर जो है उनकी जो प्रोसेस है वो फॉलो करनी होगी, जिसके बाद 3 घंटे के बाद जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन चालू हो जाएगा, वो भी नया, जो कि कभी भी APS कंपनी में काम नहीं किए थे और ना ही ऐसा ट्रांजेक्शन किए थे, तो उनका फिर से ये चालू हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का दोस्तों। तो आपको थोड़ा वेट करना होगा दोस्तों, बहुत ही जल्दी बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन चालू हो जाएगा आपके भी ID से, जिसमें कि 1 महीना लग सकता है दोस्तों। तो इसका ऊपर जो है मैं एक वीडियो जरूर बता दूंगा, जिसमें जब जैसे ही चालू होगा कंपनी के तरफ से, बैंक के तरफ से, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका अपडेट डाल दूंगा। अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं ज्वाइन हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन हुए तो जाके ज्वाइन कर ले दोस्तों, क्योंकि वहीं पर ही अपडेट मिलती रहती है, APS से बैंक रिलेटेड सारी जानकारी वहाँ मिलती रहती है, तो जाके ज्वाइन करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नया ID बनाना चाहते हैं तो नया ID भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो अभी मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, नहीं हो रहा, तो आपको कम से कम 1 महीना वेट करना होगा दोस्तों, जिसके बाद ही आपका ट्रांजेक्शन चालू होगा। साथ ही साथ अगर नया ID लेते हैं तो आपको एक बार रिपोर्ट करना होगा, जिसके बाद नया ID पे भी चालू हो जाएगा दोस्तों।
तो यही थी एक छोटी सी जानकारी जिससे कि आपको बताना चाह रहा था कि आप ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन ना करें आप, क्योंकि NPCI सारे बैंक पे नज़र रख रही है और 510, 1010, 2020 करके जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उनकी ID को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, जिससे कि वो आगे ट्रांजेक्शन ना कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस टाइप का ट्रांजेक्शन आप ना करें अपनी ID से, चाहे किसी भी कंपनी से आप हो। दोस्तों बस ये छोटी सी जानकारी, अगर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक जरूर करें वीडियो को, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, क्योंकि वहीं पर ये APS रिलेटेड सारी अपडेट मिलते रहती है। तो चलिए दोस्तों, ख्याल रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।